Hello guys, welcome back to my channel. So guys, today our topic is determiner. जैसे determiners भी आपका parts of speech का एक part है. जैसे parts of speech में हमने 9 अलग अलग topics पढ़े थे और जिसके अंदर आपके हम adjective की भी exercise कर चुके हैं, adverb की कर चुके हैं. उसके बाद आपकी pronoun की exercise करती है. बहुत सारे topics ऐसे हैं जिसकी exercise हमने कर ली है. तो गाइस आज हम आपकी डिटरमाइनर्स जो है उसकी एक्सरसाइज हम करेंगे. बेसिकली डिटरमाइनर्स के अंदर आपका बहुत सारी चीजें आती है. जैसे आपके आर्टिकल्स आ जाते हैं डिटरमाइनर के अंदर, और आपका पोजेसिव प्रोनाउंस आ जाते हैं, आपके डिमोन्स्ट्रेटिव आ जाते हैं, आपके क्वांटिफायर्स आ जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो डिटरमाइनर्स के अंदर आ जाती है. मतलब उन्हीं को हम डिटरमाइनर्स बोलते हैं. बेसिकली डिटरमाइनर्स आर दोज वर्ड्स दैट मॉडिफाइज योर नाउन, जो आपके नाउन को मॉडिफाई करते हैं. और दैट डिटरमाइनर्स आर प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, वो एक नाउन के पहले ही या एडजेक्टिव के पहले ही प्लेस किए जाते हैं, उन्हें को हम डिटरमाइनर्स कहते हैं. तो आज हम इसकी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे. तो गाइस फर्स्ट इज फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट डिटरमाइनर्स. तो दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड दैट द किड्स वेंट देयर. वो कहता है दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग. उनकी क्या थी? एक स्पेशल बिल्डिंग थी. एंड अब क्या आएगा? बोथ आएगा, मैनी आएगा, सम आएगा, जो आल आएगा. तो यहाँ इसका जो बेस्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आल. ऑल द किड्स वेंट देयर. और सारे जो किड्स थे वो कहाँ चले गए? वहां, मतलब चले गए थे. तो अब देखिए यहाँ पे आपका जो डिटरमाइनर वो आल आया, ठीक है. तो ये आल क्या आपका क्वांटिफायर्स के अंदर आ जाता है, जिसमें आप प्रॉपर डिमोन्स्ट्रेट नहीं कर, मतलब डिमोन्स्ट्रेटिव में तो नहीं आता. डिमोन्स्ट्रेटिव में आपका दिस दैट दोज दीज आता है. तो ये आपका आल जो डिटरमाइनर है दैट इज द राइट आंसर. सेकंड इज हियर शी वांटेड टू रीड अबाउट डैश फनी स्कूल. वो कहता है शी वांटेड टू रीड. वो क्या रीड करना चाहती थी? अबाउट दोस या दीज. अबाउट दोस फनी, यहाँ पे क्या आएगा? अबाउट दोस फनी स्कूल्स. वो क्या चाहती थी? उन फनी जो मजाक वाले स्कूल थे उनको रीड करना चाहती थी. यहाँ पे ये दोस है दैट इज योर डिमोन्स्ट्रेटिव डेटरमाइनर. जो डिमोन्स्ट्रेटिव का नाउन उसका अंदर आते हैं उसको हम डेटरमाइनर कहते हैं, ठीक है. अब उसके बाद आपका दे कुड हेल्प डैश अनदर विद द होमवर्क. वो कह रहे हैं दे कुड हेल्प ईच अदर. Each जो है दैट इज ऑल्सो योर डिटरमाइनर. ईच भी जो है वो भी आपका क्या है? डिटरमाइनर है. वो कह रहा है कि दे कुड हेल्प ईच अनदर. वो एक दूसरे की क्या कर ले? वन अनदर, ठीक है. सॉरी, वन अनदर. जब ईच होता तो तब अदर आ जाता. वन है तो वन अनदर विद द होमवर्क. तो राइट आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा वन, ठीक है. अगर अदर होता तो ईच यहाँ पे आ जाता. द नेक्स्ट इज इट फोर्स इन थ्रू दैट सॉर्ट ऑफ वन बॉडी. वो कहता है इट फोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माय बॉडी. ईच बेसिकली हम कई बार दो चीजों के लिए भी हम ईच को यूज करते हैं, ठीक है. और एवरी होता है जिसमें हम पूरी चीजों की बात करते हैं. दैट दैट टाइम वी यूज एवरी. तो वो कह रहा है इट फोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माय बॉडी. अपनी क्या दी है? गिवन बोथ मेमोरेबल. बोथ नहीं आएगा यहाँ, बोथ तो नीचे ही लिखा है. मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस. उसने बहुत याद रखने वाली परफॉर्मेंस दी है इंडिया में भी और अब्रॉड में भी. मैनी जो है दैट इज योर डिटरमाइनर्स. On the bed table, she discovered a great dash sheets of fine paper. वो कहता on the bed table, bed के table पे उसने क्या discover किया? A great, great dash. तो यहाँ पे right answer great many sheets of, बहुत सारे sheets उसने जो fine paper की थी वो discover की bed के table पे, ठीक है. Next, his head seemed dash too large. उसका जो head था वो कैसे लग रहा था? His head seemed, और यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा मैन. हिज हेड सीम्ड मैनी टू लार्ज. उसका जो हेड था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा दिख रहा था, ठीक है. एट व्हाट डैश इयर्स लेटर द मैरिज प्लान फाल्टर्ड. वो
वो कहता है लेकिन कुछ ईयर्स और फ्यू ईयर्स लेटर, मतलब कुछ साल के बाद, तो यहाँ पे क्या आएगा, अ फ्यू आएगा, मतलब कुछ ही ईयर्स के बाद, ठीक है। अ फ्यू इज द राइट आंसर। देन हैव अ स्नेक कवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड डैश पार्ट ऑफ योर बॉडी, हैव अ स्नेक एवर कवर्ड इटसेल्फ राउंड डैश पार्ट ऑफ योर बॉडी। क्या आएगा, राउंड एनी पार्ट ऑफ योर, क्या कभी किसी स्नेक ने आपकी बॉडी को ऐसे कॉइल किया, अपने मतलब सर्कल बना लिया आपकी बॉडी किसी भी पार्ट को, कोई भी पार्ट मतलब है नहीं। देयर वॉज डैश सीलिंग, देयर वॉज, यहाँ क्या आएगा, नॉट तो नहीं आएगा, देयर वॉज नन होगा, देयर वॉज नो सीलिंग, यहाँ पे क्या होगा, देयर वॉज नो सीलिंग, जहाँ पे कोई भी सीलिंग नहीं थी। Got up and went out to the veranda for breath, for the little air. तो यहाँ पे little जो आएगा, that is used for air के लिए हमने determiner use किया। Went to a woman doctor who had dash money, who had क्या होगा, some money, none money, many and plenty of, who had some plenty of money, ठीक है। वो कहता I would get it, मैं चाहूंगा एक वुमेन से, वुमेन डॉक्टर से शादी करना जो टू हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सारी क्या हो, अमाउंट में मनी हो। देयर वाज नो टाइम टू डू डैश सच थिंग, देयर वाज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, ऐसी कोई भी चीज करने के लिए मेरे पास क्या है, टाइम नहीं था। तो देयर वाज दैट पेन इन माय लेफ्ट आर्म, देयर वाज नो पेन आएगा, नन पेन आएगा, सम पेन आएगा, क्या, आई थिंक देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, तो क्या मेरी लेफ्ट आर्म में क्या था, पेन था, ठीक है। तो यहाँ सम जो है वो डिटरमाइनर आएगा। माई फादर हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर डैश वेल्थ, वो कहता मेरे फादर की ना तो फॉर्मल एजुकेशन थी ना, मैंने तो आएगा नहीं, नन भी, अब आएगा मच वेल्थ, ना तो उनके पास फॉर्मल एजुकेशन थी ना कि ज्यादा वेल्थ थी। आई वुड से माय वाज अ सिक्वेश चाइल्डहुड डैश मैटर मटेरियली एंड इमोशनली, वो कह रहा है मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी जो एजुकेशन थी सिक्वेयर चाइल्डहुड था मेरा जो था, बाद में क्या आएगा, बोथ मैटेरनिटी एंड इमोशनली, मतलब इमोशनली भी और मटेरियली भी, आई आई वॉज माई चाइल्डहुड वॉज सिक्वेयर। His wife watched from behind the kitchen door. The एक आर्टिकल है और यही आपका डिटरमाइनर भी, ठीक है। Would grudge her the riches she is now reaping. वो कहता है डैश वुड ग्रज हर द रिचेस, अब क्या आएगा, फ्यू या अफ्यू, क्या आएगा, फ्यू वुड, कुछ जो है वो उस रिचेस से शी इज नाउ रीपिंग। देन उसके बाद हाउ कुड यू डैश ट्रिक्स टू, आप कहते हैं हाउ कुड यू, अ फ्यू ट्रिक्स या फ्यू ट्रिक्स कैसे लगा, हाउ इस तरह का आंसर रहेगा, अ फ्यू, हाउ ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू, ठीक है, अ फ्यू जो है वो राइट आंसर। बाबा एंड आई आर डैश ट्रिक्सिंग फॉर ईच अदर, बाबा और मैं आर बोथ, बोथ इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बोथ जो है वो डिटरमाइनर रहेगा राइट आंसर। तो गाइस ये आपके 20 सेंटेंसेस थे जो आपके डिटरमाइनर पे थे, आई होप कि आपको डिटरमाइनर समझ आया होगा, अगर नहीं भी समझ आया तो गाइस आप मेरी डिटरमाइनिंग डिटरमाइनर वाली वीडियो को देखिए, अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए कि डिटरमाइनर क्या होता है और किस तरह से कौन कौन से वर्ड जो है वो डिटरमाइनर के अंदर आते हैं, ठीक है। अब उसके आगे ये हमारे डिटरमाइनर की, अब मैं आपको एक्सरसाइज दे रही हूँ जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो कल हम इस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप अच्छे से डिटरमाइनर पढ़ के इस जो एक्सरसाइज को उसको अच्छे से फिल करोगे, ओके। तो नेक्स्ट पीछे वाले जो वीडियो मैंने आपको होमवर्क दिया था, दैट इज द एडजेक्टिव एक्सरसाइज, सो टुडे वी विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज। तो गाइस लुक एट द फ्रंट, लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, दैट इज Look at that giant man. Have you ever seen that one? वो कह रहा है, देखो इसके बड़े से अद्भुत इंसान की तरफ, क्या आप पहले कभी
सीन और टॉलर वन के इस ऐसा टॉलर इंसान तुम देख पाए हो कभी? ऑब्जेक्टिव क्या है? टॉलर, तो टॉलर इज द राइट आंसर. सेकंड, आई एम डैश टुडे मींस आई डिडंट कम ऑन टाइम. वो कह रहा है आई एम, मैं क्या हूँ आज? लेट हूँ. आई एम लेट टुडे, तो लेट इज द एडजेक्टिव. मैं लेट हूँ आज, इसका मतलब है आई डिडंट, मैं टाइम पे नहीं आया था. ही इज अ ओल्ड ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन. वो क्या था? मेरा पुराना जो फ्रेंड है वो मेरा था, वो मेरा पुराना फ्रेंड था. तो ओल्ड जो है वो एडजेक्टिव है. He is just interested in what we are talking about. He may be a spy of the other team. वो कह रहा है he is very much interested. वो क्या था? बहुत इंटरेस्टेड था कि what we are talking about, कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. And he may be a spy. Spy होते हैं जासूस, और हो सकता है वो जासूस हो दूसरी टीम का. Quickly, Macaroni is put into the dash water and then fried in a pan. वो कहता है फर्स्टली आपको क्या करना है, मैक्रोनी को एक बॉइलिंग वाटर में, बॉइलिंग जो है वो एडजेक्टिव होगा, वाटर तो है लेकिन कैसा, तो बॉइलिंग है, बॉइल हो रहा है, तो बॉइलिंग वाटर में डालना होता है. देन वी हैव टू फ्राई इट इन अ पैन. ठीक है. सिक्स, द टीचर इज डैश फॉर ऑल स्टूडेंट इन द क्लास. वो कहता है टीचर जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल. तो रिस्पॉन्सिबल जो वर्ड है वो आपका एडजेक्टिव है, कि टीचर जो है वो सबके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है. I was very rude to you and still feel very dash of myself. वो कह रहा है कि मैं क्या था, बहुत ही रूड था तुम्हारे साथ. एंड स्टिल अब तक फील वेरी, और मैं कैसा फील कर रहा हूँ, अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ. मैं अपने आप पे अभी तक बहुत शर्म फील कर रहा हूँ. अशेम्ड इज द एडजेक्टिव. मोर इन्फॉर्मेशन बिकम्स डैश अवेलेबल थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर. वो कहता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है किससे, कंप्यूटर को यूज करने से. तो ये आपका एडजेक्टिव में होता है. द पीपल ऑलवेज फियर द थिंग्स दे डोंट नो वेल इज अ वेल नाउन फैक्ट. वो कहता है पीपल हमेशा डरते रहते हैं चीजों के बारे में, और वो ये नहीं जानते जो अच्छा है वो एक बहुत अच्छा जाना हुआ मतलब सच होता है. वी डोंट नो द एग्जैक्ट डाइमेंशंस, हाउ डैश द पूल एंड हाउ डैश द स्काई स्कैपर इज. वो कहता है वी डोंट नो द एग्जैक्ट डाइमेंशन, हाउ डीप द पूल, कि डू पूल जो है वो कितना डीप है, हाउ टॉल. सेकंड में आएगा आपका टॉल. तो गाइस ये आपके टेंस एंड टेंसेस के, जो आपको कल आपको एडजेक्टिव की वीडियो एक्सरसाइज दी थी, आज उसको सॉल्व किया. आई होप कि आपके आंसर सही होंगे. अब जो आपको डिटरमाइनर की वीडियो दी है होमवर्क के लिए, आप उसको अच्छे से पढ़िएगा, डिटरमाइनर को पढ़िएगा, देन एक्सरसाइज को फिल कीजिएगा. तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Okay friends, thanks for watching my video. If you like my video, then please like, share and subscribe my channel.